हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गणित का संपूर्ण पेडागॉजी। ठीक है, इसमें सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे सवाल हैं जो सीटेट में अक्सर विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए और ज़रूरत पड़े तो नोट भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसमें जो प्रश्न है मैंने लगभग 4-5 वर्षों के पेपर को उठाया है, 4-5 वर्ष के पेपर से मैंने सारे क्वेश्चन को लिया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करना है और जो भी प्रश्न है उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, और मैं आप लोगों को सारा आंसर ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी चेक करना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, चलिए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आपको सही चूज करना है। तो आप लोग अपना आंसर बताएं। ठीक है, चलिए इस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 2 सेकंड से 3 सेकंड का ही समय दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल 2 या 3 सेकंड का ही समय दूंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, राइट आंसर है। ठीक है, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता होनी चाहिए। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे आप इस प्रश्न में। देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहले, सबसे बाद, उसके बाद, उसके बाद, तो इस तरह से आपको क्रम सेट करना है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये, यानी सबसे पहले थर्ड, यानी अनुभव प्रदान करना, फिर नंबर 4 भाषा के माध्यम से समझना, फिर नंबर 1 यानी चित्र बनाना, और फिर नंबर 2 प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी से उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट जवाब है ए ऑप्शन, यानी गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं दोस्तों, कमेंट में बताएं। तो इसका सटीक आंसर है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है किसका, तो आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है फर्स्ट, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने में क्षमता। ठीक है, जो कि 2016 में सीटेट फरवरी वाले एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, लास्ट प्रश्न ज़रूर पढ़िएगा, लास्ट की लाइन में, लास्ट में ज़रूर पढ़िएगा कि क्या है, हाँ है, नहीं है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा, प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं क्या, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपको ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है,
तो आप लोग आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यही इसका सटीक आंसर और सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व क्यों कि यह बहुत मदद करते हैं। किसके लिए मदद करते हैं? तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। किसके लिए? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ठीक है, जो गणितीय संकल्पनाएं की जाती हैं उनको समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। देखिए सेम प्रश्न वैसा ही है लगभग, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, मैं बताता हूं आप लोगों को। इसका सही आंसर है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट में आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों जरा ये आप लोग श्योर कर लीजिएगा कि जो आप आंसर कर रहे हैं वो एक पेन कापी लेके बैठिए और उसको बनाते चलिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग रोक के प्रश्न को सॉल्व करने के बाद उत्तर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11th। आप लोग देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ठीक है, अब देखिए गणित पाठ्यचर्या के साथ मेल नहीं खाता जो है वो है सेकेंड ऑप्शन, वो है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य जो है वो क्या है, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे जरा बताइए आप लोग कमेंट में। तो इसका सही आंसर है संख्यात्मक कौशलों का विकास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो आपका आंसर होगा 13 नंबर का प्रश्न का आंसर फर्स्ट, यानी गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। ठीक है, महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है, उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है क्रियाकलाप कक्षा 3rd के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर करिएगा। तो इसका आंसर जो है वो सेकेंड आंसर है, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों यानी स्कूल के सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल कला संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप की
प्रतिभाशाली छात्र हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, लंबी आकृति किस ओर संकेत करती है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि, देखिए ... पर केंद्रित है, तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सटीक होगा लोग कमेंट में बताएं। तो मेरे अनुसार ये चौथा ऑप्शन जो है एकदम सटीक आंसर है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया है गणित की भाषा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, गणित की भाषा चैप्टर का नाम है गणित की भाषा, ये नेक्स्ट चैप्टर है पेडागॉजी में। तो इस तरह से हम देखेंगे इसके पहले प्रश्न को, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गणित सीखने के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सटीक आंसर, हर कोई गणित सीख सकता है, सबसे सही आंसर यही है। यहाँ देखिए दूसरे ऑप्शन में, गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जाता है, बिल्कुल गलत है, कठोर अभ्यास से ही नहीं, आसानी से चीज़ों को सीखा जा सकता है और समझा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, देखिए दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम का साधन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्राफ पेपर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। तो अंकगणित की जो चार मूलभूत संक्रियाएं हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही आंसर है, इसमें क्या क्या है, योग, व्योकलन, गुणा और भाग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे चार मूलभूत संक्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ व्योकलन का मतलब घटाने से है। ठीक है, किससे है, घटाने से, आप लोग याद रखिएगा इसका क्या अर्थ है, घटाव से तात्पर्य है, किससे है, घटाव से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, गणित की जो शिक्षा है इसका मुख्य ध्येय क्या है। तो इसका मुख्य ध्येय जो है गणित की शिक्षा का, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, बच्चों की जो गणितीय प्रतिभा है उसमें विकास करना ही क्या इसका मुख्य ध्येय है या उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ... से शुरुआत कर सकता है। ठीक है, अगर बच्चे को क्षेत्रफल पढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, शिक्षक को दैनिक जीवन में सामान्यतः देखी जाती है कि शुरुआत करनी चाहिए, मतलब बच्चों को उन्हीं चीज़ों के विषय में पहले बताना चाहिए जो बच्चे प्रतिदिन देखते हैं, उन्हीं चीज़ों से लेके उनको समझाया जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सबसे उत्तम ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा, देखिए दोस्तों एक मिनट, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर है सामुदायिक गणित, तो हम लोग आज दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है सामुदायिक गणित, ये आपका अगला चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सामुदायिक गणित, तो ये आज का आखिरी चैप्टर होगा, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं।
अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, ठीक है, जो अशिक्षित दुकानदार होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार का गणित का उपयोग किया जाता है, तो आंसर इसका बी सेकेंड है, यानी सेकेंड ऑप्शन ही सही है। संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए, ठीक है, यानी एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख कर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था होती है, तो आप ऑप्शन कौन सा आंसर करेंगे, तो इसका ऑप्शन होगा जब बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप यहाँ देखेंगे कि इस क्वेश्चन में मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं, यह छात्रों को प्रतिक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करता है, इस चीज़ को आप लोग समझ लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सर्वप्रथम रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चा आसानी से समझ सके, उसके बाद समस्या गणितीयकरण की भाषा में प्रस्तुत की जाए और फिर गणितीय समस्या के समाधान की भाषा, इन सभी चरणों के बाद समस्या को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करना ताकि बच्चे भी प्रतीकात्मक रूप से समझ सकें, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, रोजमर्रा की भाषा गणितीय स्थिति भाषा गणितीय समस्या समाधान की भाषा प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आपका आंसर होगा बी, यानी अ और ब, ये ऑप्शन आपका सही है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यासों स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, तो ये आपका सही और सटीक आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, तो इसको देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे दिया है कि एक, देखिए एक सेमी इक्वल टू होता है 10 मिमी, ठीक है, तो 1 मिमी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर है वो देख रहे होंगे आप लोग कि 3 लीटर है 30 मिली है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 3300 मिली होगा, जबकि यहाँ कितना लिखा है केवल 300 मिली, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है, तो यानी आपका सही आंसर जो है वो, मतलब आपको गलत चूज करना था, तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका सही आंसर है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, जो पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेश से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 4 है, अगर हम इसको देखें, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, तो इसके विषय में समझ लेते हैं, बच्चा सामाजिक अनुकरण अथवा गतिविधियों से जल्दी सीखता है, जो बच्चा होता है वो सामाजिक अनुकरण तथा गतिविधियां जो होती हैं समाज में उनसे बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है किसी चीज़ को,
पियाजे के सामाजिक अनुदेशन के अनुसार शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करके बच्चे को शीघ्र सिखा सकते हैं। ये सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा आप लोगों का औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।